लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। छात्र जिला युवा कांग्रेस ने मंगलवार को सिलचर इंदिरा भवन से मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमर के पुतले के साथ पार्क रोड पॉइंट पर विभिन्न नारों के साथ मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमर के पुतले जलाए। मीडिया से बात करते हुए युवा कांग्रेसियों ने कहा कि मेघालय की खासी छात्र संघ पिछले कुछ दिनों से बंगालियों को तरह तरह से परेशान कर रहा है। युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आज सवाल किया कि मेघालय में भाजपा शासित सरकार होने के बावजूद असम के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर मुख्य भूमिका क्यों निभा रहे हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमर का पुतला जलाया। उन्होंने मेघालय में रहने वाले बंगालियों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की और असम सरकार का ध्यान खींचा। युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि आंदोलन बड़े पैमाने पर होगा। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष रंजीत देवनाथ ने मामले की विस्तृत जानकारी मीडिया को दी। कछार सुलचर से सुरजीत चक्रवर्ती की। आज कछार जिला युवा कांग्रेस के तौर से हमने मेघालय के जो मुख्यमंत्री है कोनराड संगमर उनका पुतला जलाया। उनका पुतला जलाने का कारण ये है कि हमने देखा 29 तारीख को जिस तरह से खासी स्टूडेंट्स यूनियन के लोगों ने रैली निकल के बंगाली लोगों को जहाँ मिला उनको पीटा गया, उनको मारा गया, घर में घुस के पीटा गया। ये जो सिलसिलेवार तरीके से ये जो हो रहा है मेघालय में, इसमें CM का चुप्पी साधना ठीक नहीं है। CM का ये काम है कि वो हर समाज के लोगों को, हर तबके के लोगों को अपना शेल्टर दे, अपना सिक्योरिटी दे। और मैं ये गुजारिश करूँगा कि आगे से बंगाली संप्रदाय के लोगों के ऊपर ऐसा कोई अत्याचार नहीं होगा। कोनराड संगमर को गुजारिश है, निवेदन है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे बंगाली संप्रदाय के लोगों के ऊपर। आज हमने पुतला जलाया, अगर आगे पुतला से किन को जलाया? पुतला कोनराड संगमर का जलाया जो मुख्यमंत्री है। आगे से अगर वो इन चीज़ों में रोक नहीं लगाता, बंगाली संप्रदाय के लोगों के जो सिक्योरिटी है उनको सही तरह से प्रोवाइड नहीं करता, तो कछार में युवा कांग्रेस एक बहुत बड़ा आंदोलन निकलने वाला है। वो BJP गवर्नमेंट के खिलाफ भी होगा, क्योंकि मेघालय का जो गवर्नमेंट है, जो BJP के साथ अलायंस गवर्नमेंट है, हम अपना असम के CM माननीय मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा जी को भी हम गुजारिश करेंगे कि बंगाली के ऊपर जो निर्यातन हो रहा है, जो आक्रमण हो रहा है, उनका सख्त से सख्त कार्रवाई करें। NIA का लेवल का जो इंक्वायरी है वो बैठाएं और दोषियों को शास्ति प्रदान करें। तो 29 तारीख जो दुर्घटनामय घटना घटे गल मेघालय एवं शिलंग, जे सेखाने खाली अखासीदेर जरा मेघालय खिलंजिया बोले जाके बला है, तारा छाड़ा बाकीदेर प्रति जे उत्स निये जे भावे तादेरके निर्यातित करा हयेछे। देखुन मिचिलटा बेरियेछिल जे आनएमप्लयमेंटेर जन्य, सेइटाके मोड़टा किभाबे घुरिये दिये সেটাকে একটা অন্য মাত্রা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে বর্তমানের যারা সরকার এবং নেডার যিনি চিফ, উনি সেটা বুঝতে পারছেন, কিন্তু আজ অব্দি সেটা নিয়ে মুখ খুলেন না। তো আমরা ধিক্কার জানাই এসব ধরনের আচরণ, কারণ আমরা জানি নর্থ ইস্টে যারা বসবাস করি আমরা এবং ভারতবর্ষে যারা বসবাস করে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ, বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ, বিভিন্ন দিকের মানুষ থাকে, সেখানে সবাই ভ্রাতৃত্ববোধ থাকে আগে রেখে তারপর তারা পথ চলে। কিন্তু যেভাবে এই ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে এবং মানুষের ভিতরে যে হেট্রেডের স্থাপন করা হচ্ছে, সেটা সত্যি নিন্দনীয় ব্যাপার।